नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पेश चौहान। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, आज हम ऐसे एक हेल्थ इशू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई कंफर्टेबली बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। एनल फिस्टुला एक ऐसी कंडीशन है जिसमें काफ़ी दर्द होता है, लेकिन आप इसके अगर सिम्टम समझ ले तो इसे हम टाइमली ठीक कर सकते हैं या फिर इसे अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। पहले तो समझते हैं एनल फिस्टुला होता क्या है। अब ये एक टनल के समान होता है जिसका एक ओपनिंग एनस के अंदर और दूसरा ओपनिंग जो है आपके एनस के बाहर के स्किन में कहीं भी हो सकता है। अब ये एब्सेस या इन्फेक्शन की वजह से स्किन और एनस के बीच में एक फॉर्मेशन हो जाता है जिसका कन्वर्जन जो है आपको टनल के रूप में देखने मिलता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के। सिम्टम्स इसमें काफ़ी है, जैसे कि दर्द, पेन। पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, कहीं भी उठते हैं बैठते हैं तो उसे काफ़ी पेन महसूस होता है। उसी के साथ बॉवेल मूवमेंट के टाइम पर भी उसे पेन महसूस होता है, सूजन और जलन। उसी के साथ रेडनेस भी वो एरिया में हमें देखने मिलता है। डिस्चार्जेस भी उस पर काफ़ी होते हैं, जैसे कि पस डिस्चार्जेस हो गया, खून का भी वहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है जो कि काफ़ी बदबूदार होता है, जिसके छींटे हमें कपड़ों पर भी देखने मिलते हैं। इसी के साथ साथ कई पेशेंट में बुखार भी महसूस होता है और बॉवेल मूवमेंट में भी पेशेंट में डिस्टर्बेंस महसूस हो सकता है। इसी का कन्वर्ट जो है पेशेंट को कई बार कॉन्स्टिपेशन के रूप में देखने मिलता है। अब बात करते हैं कॉजेज की, क्या कारण है जिसके वजह से हमें एनल फिस्टुला देखने मिलता है। पहला तो इसका कारण है एनल एब्सेस, ये इसका एक मुख्य कारण है। इसमें जो है पस फिल्ड एरिया क्रिएट हो जाता है और वही इवेंचुअली फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इसका कारण है क्रॉन्स डिसीज, इंफ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज का ये एक टाइप है जिसमें जो है इंटेस्टाइन से लेकर एनस तक जो इंटेस्टाइन है आपका वो प्रभावित हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस, इन केसेस में भी हमें एनल फिस्टुला देखने मिलता है। और उसी के साथ साथ सर्जरी और कुछ ट्रॉमा के केसेस में भी उसके बाद की जो स्टेज होती है उसमें हमें एनल फिस्टुला देखने मिलता है। अब क्रॉनिक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इन केसेस में भी आपकी जो टिश्यू होती है एनस के एरिया की वो काफ़ी बार वीक हो जाती है और उसकी वजह से भी एनल फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब इन्फ्लेमेशन ठीक करने वाली दवाई से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसी के साथ साथ सर्जरी भी इसका एक ऑप्शन है। लेकिन एनल फिस्टुला एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार हो सकती है, तो हमें इसे जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। उसकी जो बार बार होने वाली टेंडेंसी है वो ख़त्म करना ज़रूरी है। आप ये सब होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, जो भी आपकी बार बार होने वाली टेंडेंसी है और जो इसका एक मुख्य कारण है जिसे रूट कॉज कहा जाता है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। अब बात करें प्रिवेंशन की, तो इसमें आप रिच फाइबर डाइट ऐड कर सकते हैं आपके खाने में। उसी के साथ साथ जो है आप बॉडी हाइड्रेटेड रख सकते हैं, पानी ज़्यादा पीजिए, उसी के साथ एक्सरसाइज भी आप बढ़ाए तो ये सारी चीज़ें आपको लाभदायक हो सकती है। कभी भी आपको थोड़ा भी आपको एब्सेस या फिर इन्फेक्शन अगर नज़र आए एनस के एरिया में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।